फूड एंड सिविल सप्लाई के मामले में पूरी तरह विफल सिद्ध हुई है, नाकाम रही है, और एक के बाद एक घोषणा करने के बाद भी दिल्ली में राशन वितरण प्रणाली में कोई सुधार ये सरकार नहीं कर पाई है। मुख्यमंत्री ने एक बड़ी नौटंकी करके अपनी जिम्मेदारी से जो पल्ला झाड़ा है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। सवाल ये है कि पहले उन 4 साल का हिसाब दो जो आपने राशन वितरण में सुधार के बड़े बड़े दावे किए थे और सरकार ने वो दावे नहीं पूरे किए। लोगों को बार बार सब्ज बाग दिखाते रहे लेकिन राशन वितरण व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया, और आज आप एक ऐसी नौटंकी करके, एक स्टंट करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं फिर से एक बार। तो ये आप सरकार चला रहे हैं या यहाँ पर स्टंट करने के लिए आप उपस्थित हैं? लोग प्रशासन चाहते हैं, एक सुशासन चाहते हैं। आपके स्टंट से 2 दिन सदन चला, आपने 1 दिन भी राशन वितरण पर दिल्ली विधानसभा में चर्चा नहीं करवाई, ना ही आपने उस पर कोई स्टेटमेंट दिया, ना ही उस पर कोई जानकारी ली। एक तरफ लोग त्राही त्राही करते हैं, दूसरी तरफ आप स्टंट करते हैं और फिर जाकर अपने दफ्तर में बैठ जाते हैं, बिल में घुस जाते हैं, अगले दिन आप बात को भूल जाते हैं, फिर आप हमले की बात करने लगते हैं। तो ये जो स्टंटबाजी हो रही है, ये जो फिल्मी स्टाइल आप दिखाने की कोशिश करते हैं, लोग रियल लाइफ में हैं।